Hello friends, we should accumulate fundamentally sound and growing companies. और branded company हो तो और भी अच्छी बात है. वैसी एक company बताने जा रहा हूँ जो plywood and laminates बनाती है, fundamentally sound है and year on year excellent result दे रही है. ये company का आज का closing था 429 rupees का and 52-week high था 435 का. इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच करके अभी ये फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है शेयर, इसलिए बता रहा हूँ. ब्रेकआउट दिया है शेयर ने. इसका पी है 28 का जो कि अभी भी अंडर वैल्यूड है. ईपीएस है 15 का जो कि बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू रेट. डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.50 जो कि रेट भी काफ़ी कम है. प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 53% प्रोमोटर्स के पास है जो कि अच्छा खासा है. एफआईआई के पास है 3%, दैट इज़ क्वाइट कन्विंसिंग. बट एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है, डीआईआई का होल्डिंग है 23%, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग. तो आप समझ सकते हैं कि एफआईआई डीआई का भी होल्डिंग इतना स्ट्रांग इस कंपनी में, तो दैट मीन्स द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी इज क्वाइट ब्राइट. ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर इज एक्सेलेंट. सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था 18 करोड़, जून 2021 में वो बढ़कर हो गया 30 करोड़ एंड सितंबर 2021 में वो बढ़कर हो गया 67 करोड़. तो आप समझ सकते हैं क्या शानदार प्रॉफिट दिया है, शानदार ग्रोथ दिखाई कंपनी ने. रियल एस्टेट सेक्टर में बूम है, घर बनेंगे, ऑफिसेज बनेंगे, रिपेयर होंगे, रिनोवेशन होंगे, तो इस कंपनी का शेयर, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लगने वाले ही है. कंपनी का ब्रांड आपने नाम सुना होगा, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी बहुत शानदार है. अभी ब्रेकआउट देने वाली है, दे चुकी ब्रेकआउट, और भी ऊपर जाने का उसमें वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है. इसको अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे तो यहाँ से भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी. एंड इफ़ यू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो दिस शेयर कैन बी मल्टीबैगर इन फ्यूचर, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस शेयर टू एड इन योर पोर्टफोलियो. थैंक यू.